अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि जो वर्ड्स होता है, कोई भी जो वर्ड होता है, कोई भी जो लफ्ज होता है, वो कहीं ना कहीं से आया है। वर्ड्स के भी माँ बाप होते हैं। कुछ बेसिक वर्ड्स हमने कल देखे थे, जियोग्राफी था, बायोलॉजी था, जियोलॉजी था और बायोग्राफी। आज जो हम लोग देखेंगे, ये तरीका आप समझ गए होंगे कि हम एक वर्ड लेंगे और वर्ड के साथ क्या करेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे कि आया कहाँ से था। जैसे बायो का मतलब आपने समझ लिए, तब बायो से इंग्लिश में 50 वर्ड बनते हैं, 100 वर्ड बनते हैं, 200 वर्ड बनते हैं। आपको बायो का मतलब जान लेने के बाद वो सारे अल्फाज का जो बायो से बनते हैं आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही जियो से कहीं 50 लफ्ज बनते हैं, जियो से कहीं 50 लफ्ज बनते हैं। एक दूसरा तरीका इसका ये है कि हम वर्ड्स को सिमिलर टाइप के वर्ड्स यानी ख़ानदान के तौर पर देखेंगे। ख़ानदान के तौर पर यानी किसी को भी हम अगर जानना चाहते हैं, अगर उसके ख़ानदान के साथ जाने कि उसके आसपास में कौन है, तो आसानी हो जाती है। वो पूरे ख़ानदान को, ये इसका मामू, ये इसका चाचा, ये इसका फूफा, तो वैसे एक सेम टाइप के लोगों को अगर हम एक साथ लेंगे हमको आसानी होती है। वैसे ही सेम सिमिलर वर्ड्स को, जैसे डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, डॉक्टर्स को क्या कहा जाता है, वो वर्ड्स हम एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। अलग अलग किस्म के जो डॉक्टर्स हैं उनको क्या कहा जाता है। अक्सर हम बोर्ड पढ़ते होंगे, आप लोग बोर्ड पढ़ते होंगे कि भाई हड्डियों का कौन सा डॉक्टर है, और ये बच्चों का कौन सा डॉक्टर है, और औरतों का कौन सा डॉक्टर है। ये बोर्ड पढ़ते होंगे लेकिन हमको याद नहीं रहता, हम अक्सर क्या होते हैं, भूल जाते हैं। तो ये अलग अलग जो लॉजिस्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, हम इस चैप्टर में देखेंगे क्या बोलते हैं। तो आपको क्या मालूम है कि औरतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, औरतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट औरतों के और डिलीवरी जो होती हैं बच्चों के, वो डॉक्टर के लिए खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, वो आपको मालूम है। फिर एक डॉक्टर होता है छोटे बच्चों का डॉक्टर होता है, उसको अब चिल्ड्रंस डॉक्टर आप बोल रहे हैं, लेकिन एक लफ्ज जो है और भी है उसके लिए, यानी ये आपने गलत नहीं कहा, लेकिन एक और लफ्ज है वो आपको मालूम है। अच्छा, स्किन का डॉक्टर, चमड़ी का अलग डॉक्टर होता है, नहीं, आँखों का डॉक्टर उसको क्या कहते हैं, या फिर जो ब्रेन और नर्वस सिस्टम का है, अपने दिमाग की हैसियत कैसी है, हमारे जिस्म में हमारे दिमाग की हैसियत बादशाह की है, किसकी है, बादशाह की। यहाँ से पूरे ऑर्डर्स जाते हैं, किसको जाते हैं ऑर्डर, हाथ को जा रहे हैं, आँख को जा रहे हैं, किडनी को जा रहे हैं, दिल को जा रहे हैं, तो पूरे काम किसके ऑर्डर पर करते हैं, दिमाग के। लेकिन ये ऑर्डर जाते कैसे हैं, तो हमारा एक सिस्टम है, जैसा पोस्ट ऑफिस से पोस्ट जाता है ना, पोस्टमैन क्या करता है, जाके आपको एक ख़त दे देता है, वैसे दिमाग से जो ख़त निकलते हैं वो हमारा नर्वस सिस्टम है, क्या कहते हैं इसे, नर्वस सिस्टम। इसका एक डॉक्टर आता है, ये लखवा जिस लोगों को मारता है ना, लखवा जिन लोगों को मारता है, लखवा मालूम है आपको, आधा हिस्सा काम करता है आधा नहीं, जिसे हम लखवा कहते हैं आम जुबान में, तो उसमें यह होता है कि दिमाग से ऑर्डर आधे हिस्से को नहीं जाते, तो वो डॉक्टर को क्या बोलते हैं, उसका एक खास डॉक्टर होता है। फिर एक डॉक्टर होता है वो दिमाग का डॉक्टर, कौन होता है, दिमाग का डॉक्टर, दिमागी थोड़ा संतुलन जिसको बोलते हैं बिगड़ जाता है, दिमागी जो संतुलन थोड़ा बिगड़ जाता है उसको क्या कहते हैं, दिमाग का डॉक्टर कहते हैं। गालिब का एक शेर है, मुझे याद आ गया साहब, गालिब ने कहा, कहते हैं जिसे इश्क, खलल है दिमाग का, क्या कहा, कहते हैं जिसे इश्क, खलल है दिमाग का। तो जो दिमाग का खलल अगर आपको हो गया तो आप किसके पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो डॉक्टर को क्या कहते हैं। या फिर एक डॉक्टर होता है जो दिल का डॉक्टर है, किसका डॉक्टर होता है, दिल का डॉक्टर होता है। तो दिल का डॉक्टर जो होता है, दिल के दो पार्ट है ना, एक है फिजिकल पार्ट, फिजिकल पार्ट बोले तो भाई ये पंपिंग करना, इसने पूरा खून का दौरान बराबर होना, सब होना, तो एक दिल का डॉक्टर वो होता है जिसके पास आप जाते हैं। दूसरा
जो दिल का डॉक्टर होता है, हमारे पास जो बुजुर्ग गुजरे हैं जिसको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, या कुछ इंसान ऐसे अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं जो दिल की बीमारी समझ लेते हैं। दिल एक अलग किस्म है, रूहानी किस्म से भी बीमार होता है। एक उसमें कहा गया, गालिब ने हदीस में कहा गया कि इंसान के जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा ऐसा है कि अगर वो सही रहा तो पूरा जिस्म सही रहेगा, और वो अगर ख़राब हो गया तो पूरा जिस्म ख़राब हो गया। तो वो जिनको हम शेख कहते हैं, पीर कहते हैं, औलिया अल्लाह जो होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, वो पहचानते हैं कि भाई इसको क्या, इसके दिल में बीमारी है, और फिर उसका इलाज देते हैं, तख्वार करो, ये करो, वो करो, इस तरीके से, तो वो पहचान जाते हैं। तो ये अलग अलग किस्म के डॉक्टर्स होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, नंबर वन, औरतों के डॉक्टर को कहते हैं, औरतों के डॉक्टर को कहते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं औरतों के डॉक्टर को? क्या कहते हैं? देखिए, सीखना है, अगर आपको नए वर्ड सीखना है तो आपने भी बोलना चाहिए, जो भी इसको सुन रहे हैं वो लोगों ने ज़ोर से बोलना चाहिए कि, और लिखना भी चाहिए। जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे आप, क्या करेंगे, जितना ज़्यादा दोहराएंगे उसको, उतना जल्दी और उतना आसानी से आप सीखेंगे। जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना जल्दी और उतना आसानी से आप सीखेंगे। तो औरतों के डॉक्टर को क्या कहते हैं? गाइनेकोलॉजिस्ट। औरतों के डॉक्टर को हम कहते हैं गाइनेकोलॉजिस्ट। इंसान असल में भूल जाता है। इंसान क्या होता है, कई बच्चे आते हैं मेरे पास, सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो मैं उनको कहता हूँ, भाई इसमें नई बात क्या है? भूलना तो इंसान का ऑटो मोड भूलना है। ऑटो मोड समझता है, डिफ़ॉल्ट मोड बोलते हैं ना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग। आपके मोबाइल की जब आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग करते हैं, कि फैक्ट्री रिसेट बोलते हैं ना जिसको, तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग इंसान का क्या, भूल जाना। अगर आप नहीं भूल रहे हैं तो आपको जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। अगर नहीं भूल रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अल्लाह ने सिस्टम ऐसा बनाया कि इंसान थोड़ी देर में भूल जाता है। ऐसा ही हुआ ना आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने बोले कि मत खाना, तो क्या उन्होंने याद रखते हुए खा लिए? शैतान जब आया तो वो अल्लाह के हुक्म को भूल गए ना। हमसे भी जब गुनाह होता है या कुछ गलत काम हो जाता है तो उस वक्त हम सब भूल जाते हैं ना, अल्लाह को भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि रामन कातिबीन है, और ये भूल जाते हैं कि भाई कयामत आने वाली है और ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है और इसका हमको क्या करना है। जब ही तो गुनाह होता है ना, गुनाह कब होता है? जब हम इंसान भूल जाता है। तो इंसान आमतौर से भूल ही जाता है, याद क्या रहता है? याद क्या रहता है? जिसको बार 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 आप वो करेंगे। तो आपको अगर कोई चीज़ भूल रही है आपने, और अच्छा अलग अलग है, किसी किसी को 5 बार रिपीट करने में याद हो जाता है, किसी को 50 बार में याद होता है, समझे आप? लेकिन याद होता है आमतौर से, सभी को होता है, ठीक है? तो इसको बार बार आप जितना रिपीट करेंगे उतनी आसानी आपको हो जाएगी। अच्छा, भूलना इतनी बड़ी नेमत है, भूल जाना इतनी बड़ी नेमत है ऊपर वाले की। मान लो कि अगर हम भूलेंगे नहीं, खुदा ना खास्ता अगर कोई भूलेगा नहीं ना, उसकी जो बुरी बुरी यादें हैं उसको क्या होगी, हमेशा याद आती रहेगी और वो ज़िंदगी जी नहीं पाएगा। घर में इंतकाल हो गया किसी का, अब वो कैसा वक्त होता है किसी का इस तरह, तो अब वो बार 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 याद कर करके कर करके अगर वो भूले ना आदमी, तो कंटिन्यू याद रहेगा और वो जी नहीं पाएगा, डिप्रेशन में चल जाएगा। तो अल्लाह ने ये बड़ा अच्छा किया कि हम भूलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसको कहते हैं औरतों के डॉक्टर को गाइनेकोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर वो होता है जो प्रेग्नेंट औरतों को चेक करता है, अंदर बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या है, और फिर जब डिलीवरी वगैरह वो करवाने में मदद करता है, तो उस डॉक्टर को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या कहते हैं उसे? ऑब्स्टेट्रिशियन। ऑब्स्टेट्रिशियन हिज्जे, हिज्जे जैसा करते हैं ना, अरबी पढ़ते हैं आप लोग, हिज्जे वैसा हिज्जे कर दे रही है इसको, ऑब्स्टेट्रिशियन, और फिर मिला के बोल देने का ऑब्स्टेट्रिशियन, इस तरीके से ये इसे बोलते हैं। एक डॉक्टर है जो के बच्चों का डॉक्टर है। कौन सा डॉक्टर है? एक डॉक्टर है, वो बच्चों का डॉक्टर है, उसे कहते हैं
पीडियाट्रिशियन, क्या कहते हैं उसे, पीडियाट्रिशियन, ये बच्चों का डॉक्टर होता है, छोटे बच्चे उनके बारे में जानने वाला। अल्लाह ने असल में निज़ाम ऐसा बनाया कुछ दुनिया का कि पहले तो सिर्फ डॉक्टर होता। पुराने हम पूछेंगे लोगों से, आज से 50 साल 70 साल पहले सिर्फ कौन होता था, डॉक्टर। इतनी अंदर अंदर फील्ड उसको मालूम भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे नई फील्ड बनती जाती है। पहले सिर्फ आपको कंप्यूटर मालूम था, अब 50 किस्म के कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर में भी अलग अलग किस्म की जो चीज़ें हैं उनके जानने वाले आ गए, उसके स्पेशलिस्ट आ गए। पहले सिर्फ डॉक्टर था, उसके स्पेशलिस्ट आ गए। तो स्पेशलिस्ट आप किसी चीज़ के बनते हैं तो फ़ायदा होता है। आमतौर से दुनिया के अंदर आप क्या बनते हैं, स्पेशलिस्ट बनते हैं ना, तो फ़ायदा होता है। यानी आपको अगर कोई फील्ड भी चूज़ करनी है, स्टूडेंट्स को रिस्क के लिए फील्ड चूज़ करनी है, तो क्या देखना चाहिए कि हम किसी चीज़ में क्या करें, एक लाइन पकड़ना बोलते हैं ना, और वो लाइन में भी और आगे जाए, उसको बोलते हैं क्या बनना, स्पेशलिस्ट बनना। उसको इंग्लिश में नीश मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीश, आपने सुने नहीं सुने मुझे नहीं मालूम, नीश कहते हैं, नीश कहते हैं मेहराब को। किसे कहते हैं मेहराब, किसे कहते हैं, यहाँ पर एक देखो पुराने घरों के अंदर, आपके पास भी यहाँ देखें, अंदर थोड़ा गया हुआ मामला होता है, दीवार होती है, उसमें अंदर दीवार होती है, उसमें क्या रखते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे रखते हैं, चिराग रखते हैं या कुछ रखते हैं। तो वो इनका मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान में कि ज़करिया अलैहिस्सलाम उनको पूछते थे ये तुझे कहाँ से मिला, उनको रिस्क मिलता था अल्लाह की तरफ से, तो वो कहते थे मुझे मेहराब में मैंने रिस्क पाया। क्या कहते थे, मेहराब में मैंने रिस्क पाया। तो आज इसके ऊपर मार्केटिंग के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ी रिसर्च है कि आप नीश मार्केट में जाओ। कहाँ पर जाओ, नीश मार्केट के अंदर, यानी जो नई फील्ड है उसके अंदर क्या करो, स्पेशलाइजेशन लो। तो होता क्या है उसमें, वो फील्ड वाला दूसरा कोई नहीं रहता। एक चीज़ में जब एक्सपर्ट बनते हैं ना, तो वो फील्ड वाला क्या होता है, दूसरा कोई भी नहीं रहता। सब चीज़ अगर अपन करते हैं तो फिर आमतौर से अपने को एक्सपर्टीज नहीं आती, तो ये चीज़ भी है। एक फिर डॉक्टर होता है आपका स्किन का डॉक्टर, कौन सा डॉक्टर होता है, स्किन का डॉक्टर होता है, उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, पढ़िए उसको कम से कम, अगर लिख नहीं रहे यहाँ तो डर्मेटोलॉजिस्ट, और उसको रिपीट करना है। क्या करना है, बार बार रिपीट करना है, अपने आप से रिपीट कीजिए, किसी को दूसरे को बोलिए कि देखो स्किन के डॉक्टर को कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। या आप उसको नहीं सिखा रहे, आप उसको नहीं सिखा रहे, आप दोस्त को नहीं सिखा रहे, भाई को बहन को नहीं सिखा रहे, किसी और को नहीं सिखा रहे, आप किसको सिखा रहे, खुद को सिखा रहे। ये ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाला समझ जाए। तो क्या होता है ये, डर्मेटोलॉजिस्ट। फिर एक होता है आँखों का डॉक्टर, कौन होता है, आँखों का डॉक्टर। औरंगाबाद वालों को सिर्फ एक ही आँखों का डॉक्टर मालूम है, नक्शबंदी। औरंगाबाद में हमारी एक साहब, हालांकि मैंने भी नाम सुना है कभी, मैं मुलाकात तो हुई नहीं और मैंने कभी देखा भी नहीं, लेकिन औरंगाबाद में आंखों का डॉक्टर बोले तो नक्शबंदी। शाह बाजार में नक्शबंदी साहब से, यानी उनकी मैं मार्केटिंग कर दे रहा हूँ, खैर उनकी तो पहले ही हुई है मार्केटिंग, मैं क्या करूँगा। तो एक है आपका आंखों का डॉक्टर, उसे कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसे क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आंखों का डॉक्टर। उसको हिज्जे करने का, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बार 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 बोलना भी है। देखिए पहले इल्म हासिल करने के, उसमें पहले सिर्फ आपको मतलब नहीं समझेगा, बार बार आपको बिना समझे क्या करते रहना पड़ेगा, उसको रिपीट करते रहना पड़ेगा। बिना समझे आपको क्या करना पड़ेगा, बार 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 रिपीट करना पड़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे क्या होगा, वो समझने लगेगा। तो आंखों का डॉक्टर होता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर होता है हड्डियों का डॉक्टर, एक डॉक्टर कौन होता है,
हड्डियों का स्पेशल डॉक्टर अब होने लगा है। अपने पास कौन है हड्डियों का स्पेशल डॉक्टर? हाँ, डॉक्टर शमीम। ये सारे डॉक्टर्स के पास जाकर हम लोग भेजेंगे कि आपकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट आप कर लीजिए एडवर्टाइजमेंट। तो हड्डियों के डॉक्टर को कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट, हड्डियों का डॉक्टर। उसे क्या कहते हैं? डॉक्टर ऑर्थो एक दवा है, डॉक्टर ऑर्थो एक दवा है, एक चप्पल आती है डॉक्टर ऑर्थो, है ना, नरम नरम वो होती है, वो बोले हड्डियों हड्डियों का क्या है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आँखों के डॉक्टर यूसुफ अलैहि सलाम भी थे, आँखों के डॉक्टर यूसुफ अलैहि सलाम भी थे। वो अपने अब्बा से बिछड़ गए थे, वो यूसुफ अलैहि सलाम। बाद में अल्लाह ने बड़े अजीब तरीके से, पहले तो क्या बने, पहले तो मार डाल रहे थे भाई, तो एक भाई ने बोला अरे नहीं मत मारो, तो बोले ठीक है अंधे कुएं में डाल दो, अंधे कुएं में डाल दिए। वहाँ से काफिला आया, काफिले ने निकाल लिया, अरे ये तो बच्चा है, बड़ा खूबसूरत बच्चा। तो फिर बोले कि एक काम करो इसको बेच दो, तो कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं बड़ी कम कीमत पर उन्होंने उसे बेच, यूसुफ की कीमत तो बहुत ज़्यादा थी ना, बड़ी कम कीमत पर उसे बेच दिए। फिर गए वो जिसने ख़रीदा उसके घर में रहने लगे, वहाँ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, इल्ज़ाम लगने के बाद बेगुनाह होने के बावजूद जेल में चले गए। कहाँ चले गए? जेल में चले गए। जेल में जाने के बाद ये हुआ कि वहाँ से ख्वाबों की ताबीर वगैरह वो बताए, और फिर बाद में अल्लाह ने धीरे 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 उनको मिस्र का बादशाह बना दिया। मिस्र का क्या बना दिया? शाह मिस्र। अब इनके अब्बा को अल्लाह पर बड़ा भरोसा था, ये कितने कम से कम 30-40 साल तो गुजरे होंगे, ये पूरा बचपन से लेके इतना पूरा होने तक 20-25 साल तो कम से कम गुजरे होंगे, या 30 साल कम से कम गुजरे होंगे। जब तक इनके अब्बा को यकीन था, वो कहते थे, क्या कहते थे याकूब अलैहिस्सलाम पर, सबरुल जमील, मैं क्या करूँगा, सब्र करूँगा, मैं सब्र करूँगा। और अपने बच्चों को ये कहते थे कि मैं अल्लाह के बारे में वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। भरोसा पूरा किस पर था उनको? अल्लाह पर। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ये बन गए, तो फिर उन्होंने उनके भाइयों को जब असलियत मालूम पड़ गई, वो सारा हो गया, तो उन्होंने कहा ये मेरा कपड़ा लो और जाके मेरे अब्बा के चेहरे पर डाल देना, उनकी आँखें वापस आ जाएगी। वो गम के मारे क्या हो गए थे? वो अंधे हो गए थे, उनकी आंखों की रोशनी क्या हो गई थी? चली गई थी। तो इसी कोर्स के अंदर आगे हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा गम की वजह से भी बीमारियां आ जाती। तो उनको जैसे ही वो कपड़ा उनके चेहरे पर डाला गया, तो देखो एक खुशबू होती है हर इंसान की, हर इंसान की एक यूनिक खुशबू होती है, तो वो खुशबू उनको यूसुफ की आ गई। उसके अंदर किसकी आ गई? उनको यूसुफ की आ गई, और उस वजह से उनका जो मसला हुआ था वो पूरा क्लियर हुआ, और क्या हो गए वो उनकी बीनाई जो थी वो वापस आ गई। ऑर्थोपेडिस्ट कौन सा होता है आपका? हड्डियों का डॉक्टर होता है। एक होता है कार्डियोलॉजिस्ट। कौन होता है? कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का डॉक्टर। जो कहते हैं ना दिल के डॉक्टर को क्या कहते हैं? दिल के डॉक्टर को कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डिया दिल को कहते हैं, कार्डिया किसे कहते हैं? दिल को कहते हैं, हार्ट। फिर जो ब्रेन का डॉक्टर है, ये जो नर्वस सिस्टम वाला डॉक्टर है कि यहाँ से हुक्म सादिर होता है और पूरे बॉडी तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। नर्वस सिस्टम का जो डॉक्टर होता है वो न्यूरोलॉजिस्ट होता है। नर्वस सिस्टम अगर कुछ आगे तक वो नहीं करा, किसी किसी का चलने में हाथ सही से नहीं चलता, कोई कोई चलने में पैर किसी का वो होता है, तो वो क्या हो रहा है कि दिमाग से सही से क्या नहीं जा पा रहा, उसको मैसेज नहीं जा पा रहा, ट्रैफिक जाम है, पोस्टमैन निकला है लेकिन क्या हो गया, ट्रैफिक जाम है, बीच में किसी भी तरीके से वो हो सकता है। तो यह है आपका एक न्यूरोलॉजिस्ट। फिर एक जो डॉक्टर है दिमाग का डॉक्टर, तो हमारे जो एक दिमाग के बड़े फेमस डॉक्टर हैं, औरंगाबाद में दिमाग का भी डॉक्टर एक ही है साहब, यानी आप अगर दिमाग का डॉक्टर कहेंगे तो एक ही शख्स के पास लेके, एक ही शख्स का नाम हर किसी की जुबान पर आता है। कौन है वो?
कौन है वो? हम लोग जब बम्बई में थे तो मजाक मजाक में हम ये कहते थे कि जैसे किसी दोस्त को मजाक करना है कि इसको क्या करो, इसको दिमाग के डॉक्टर के पास ले जाओ, तो वहाँ हम ये बोलते थे इसको आगरा भेजो। क्या कहते थे? आगरा में शायद बड़ा फेमस एक दवाखाना है कोई, मेंटल हॉस्पिटल। वैसे ही औरंगाबाद में जो आपस में दोस्त अहबाब मजाक करते हैं तो उसमें जब किसी को बोलना होता है इसको भेजो तो क्या बोलते हैं? इसको मिटमिटा भेजो। मिटमिटा पे कौन है? आपके कादरी साहब। तो वो कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट होते हैं। उनको क्या कहते हैं? आपके दिमाग का डॉक्टर। दिमाग में कुछ खलल वाक्य हो गया तो क्या करते हैं? थोड़ा ठोक बजा कर, गोली वोली देकर उसको सही करने की वो कोशिश करते हैं। फिर एक छोटी सी किताब एक हमारे स्टूडेंट ने हमको लाकर दी, कादरी साहब की लिखी हुई है। तो उन्होंने उसको कुरान से रिलेट करने की कोशिश क्या की कि भाई कुरान के अंदर साइकेट्री की क्या क्या चीज़ें हैं वो पढ़ रहे थे। तो ये इतने सारे डॉक्टर हैं। अब देखो ये डॉक्टर के बाद आप अगर ये बोलना सीख गए होंगे तो अब हम हमारा पहला वर्ड वापस लेते हैं। औरतों के डॉक्टर को क्या कहते थे? औरतों के डॉक्टर को गायनेकोलॉजिस्ट। क्या कहते थे औरतों के डॉक्टर को? गायनेकोलॉजिस्ट। हाँ, ये स्पेलिंग देखिए इसकी थोड़ी गलत है, NAE है गायनेकोलॉजिस्ट। अब गायनेकोलॉजिस्ट के दो टुकड़े करो, गायनेकोलॉजिस्ट एक है गायन, एक क्या है गाइन, और ये लॉजी। कल लॉजी का मतलब क्या देखे थे हमने? लॉजी का मतलब क्या देखे थे? के बारे में इल्म हासिल करना, स्टडी करना, टू स्टडी, या इल्म हासिल करना के बारे में, किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना। तो गाइन का मतलब होता है विमेन। गाइन का मतलब क्या होता है? विमेन, औरत। तो औरतों के बारे में यानी औरतों की बीमारियों के बारे में इल्म हासिल करना। औरतों की कुछ मखसूस बीमारियां होती हैं तो उसके ताल्लुक से जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो एक जो रूट वर्ड है, रूट वर्ड बोले तो ये आया कहाँ से? तो क्या याद रखना है आपको? गायन। आपको क्या याद रखना है? GYNE गायन। इस लफ्ज से इंग्लिश में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 15-20 लफ्ज और बनते हैं। ये जो रूट है ना इसको हम रूट बोलेंगे, जहाँ से आया उसको क्या बोलेंगे हम? रूट। जैसे 15-20 अल्फाज बन सकते हैं। गाइन आप याद रखिए और लॉजिक, गाइनेकोलॉजिस्ट। इसी तरीके से एक और है जो डिलीवरी वाला जो डॉक्टर था, बच्चों की पैदाइश में जो मदद करता था, उसे क्या कहते थे हम? ऑब्स्टेट्रिशियन। क्या कहते थे? ऑब्स्टेट्रिशियन। तो अंग्रेजी जुबान जो है ये कहाँ से आई है? बहुत सारे अल्फाज इसके बहुत सारे लैटिन और ग्रीक जुबानों से। कहाँ से आए? अंग्रेजी जुबान के बहुत सारे अल्फाज लैटिन और ग्रीक जुबानों से आए। देखिए जुबानों का मामला ऐसा है, जिस तरह इंसान पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जवान होते हैं, ताकतवर होते हैं, फिर एक उम्र आती है, फिर बूढ़े होते हैं, फिर एक वक्त आता है कि वो ख़त्म हो जाते हैं। कुल्लू नफ्सी ज़ाइक़तुल मौत। हम हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। तो वैसे ही ज़ुबानों का मामला होता है, वैसे ही अल्फाज का मामला होता है कि एक नई ज़ुबान धीरे 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 पैदा होती है। तो जैसे इंसान इंसानों से पैदा होते हैं वैसे ही ज़ुबान ज़ुबानों से पैदा होती है। और एक ज़ुबान धीरे 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 पैदा होती है, बढ़ती है, फिर धीरे 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 क्या होती है? वो ख़त्म हो जाती है। तो जो ज़ुबान लोगों के इस्तेमाल में नहीं रहती है धीरे धीरे क्या होती है? ख़त्म हो जाती है। तो एक ज़ुबान, कई ज़ुबानें आपने सुने होंगे ना पहले जो अब नहीं बोली जाती, वो ज़ुबानें अब नहीं बोली जाती। और ये बड़ा धीरे 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 होता है, 200 साल, 500 साल, 700 साल, अलग अलग किसी की उम्र हो सकती है ज़ुबानें की।
आज से 200 साल पहले की अगर आप उर्दू देखेंगे, 200 वो एकदम अलग उर्दू थी, अब ये उर्दू अलग है, धीरे 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 ये चेंज आ जाएगा। संस्कृत एक ज़माने में लोग बोला करते थे, आम लोग बोला करते थे संस्कृत, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई, उसके जगह प्राकृत एक ज़ुबान आ गई। प्राकृत धीरे धीरे क्या हो गई, ख़त्म हो गई, अपभ्रंश आ गई, वो ख़त्म हो गई। तो ऐसी अलग अलग ज़ुबानें हैं। तो वैसे ही इंग्लिश से पहले कौन सी ज़ुबानें थी, लैटिन और ग्रीक करके जो ज़ुबानें थी। तो ऑब्स्टेट्रिशियन जो है वो एक लैटिनी ज़ुबान का लफ्ज़ होता था, ऑब्स्टेट्रिक्स। अब इसके अंदर ध्यान मत डालो, असल बात ये नहीं है, असल बात ये नहीं है कि ये कौन सी ज़ुबान से पैदा हो, असल बात क्या है कि ऑब्स्टेट्रिशियन का मतलब क्या है, असल चीज़ क्या है, असल चीज़ ऊपर का कवर है या अंदर थैली में क्या है, वो है थैली के अंदर आम है कि इमली है कि जाम है, वो है मैं ना। तो ये जो अल्फाज होते हैं सिर्फ कवर है, क्या है, ऊपर का कवर है, असल उसका मतलब जानना है, लेकिन कवर भी अहम है। अहम क्यों है, क्योंकि इससे पहचान होगी। तो एक लफ्ज हुआ करता था रूटवर्ड ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या होता था, ऑब्स्टेट्रिक्स, क्या होता था लफ्ज, ऑब्स्टेट्रिक्स होता था। ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता था दाई, क्या कहते थे, दाई किसे कहते हैं, दाई। आज के ज़माने में हॉस्पिटल्स बन गए हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर आप डिलीवरी हो रही हैं औरतों की। पहले के ज़माने में यह होता था कि घरों के अंदर ही जो बड़ी बूढ़ी औरतें होती थी तो वो लोग क्या करते थे, अगर कोई औरत हामिला होती थी तो उसकी डिलीवरी वहीं पर हो जाती, कहीं इस तरीके से जाते नहीं थे। अभी के इसके फ़ायदे भी हैं, अभी हॉस्पिटल्स में जाने के बहुत सारे नुकसान भी हैं, तो वो चीज़ है। तो वो दाई को क्या कहते थे लैटिन ज़ुबान में, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते थे, क्या कहते थे, ऑब्स्टेट्रिक्स कहते थे दाई, मिडवाइफ जिसे कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए क्या लफ्ज़ है, मिडवाइफ। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी दाई, दाई को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका काम क्या होता है कि डिलीवरी करवाना। आज भी कई जगह ऐसी हैं दुनिया के अंदर कि घरों के अंदर ही क्या हो जाती है, डिलीवरीज हो जाती है। तो इसी से आपका निकला, अच्छा इसका मतलब क्या होता था ऑब्स्टेट्रिक्स का, टू स्टैंड, लैटिनी जुबान में उसका मतलब क्या था, टू स्टैंड, टू स्टैंड का मतलब खड़े रहना, खड़े रहना। तो जब डिलीवरी होती थी तो जो औरतें खड़ी रहती थी, दो तीन चार औरतें लगती थी ना, उसमें एक एक्सपर्ट होती थी बड़ी बूढ़ी जो कई डिलीवरी उसने कराई हुई है, तो वो जो खड़े रहती थी तो उससे निकला क्या ये, ऑब्स्टेट्रिक्स का मतलब होता खड़े रहना। और खड़े रहने से ये ऑब्स्टेट्रिशियन कैसे आया, क्योंकि वो दाई खड़ी रहती थी। अब वही लफ्ज़ क्योंकि पहले से चल रहा था, तो अब जब डॉक्टर बना और डॉक्टर की फील्ड नहीं आई कि जिसके अंदर ये चीज़ थी, तो यानी कि डिलीवरीज वाला जो डॉक्टर बना तो उसके लिए लफ्ज़ क्या बन गया फिर इंग्लिश ज़ुबान में, ऑब्स्टेट्रिशियन, क्या बन गया, ऑब्स्टेट्रिशियन। ऐसा पूरा जानते ना आप, जैसे मैं पूछता हूँ भाई क्या नाम है, कहाँ से आए, क्या करते हो, तो किसी चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा आप जानते हो उतना ज़्यादा देर तक याद रहता है। याद रखिए, ये जो हमारा आजकल का थोड़ा कल्चर चल रहा है जल्दबाजी वाला, कौन सा जल्दबाज, बड़ा जल्दी 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 सब कर लेना, बड़ा जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हमको कर लेंगी। तो जल्दबाजी में क्या हो रहा है, हम बोल रहे नोट्स दीजिए, हम शॉर्ट नोट्स दीजिए, क्या दीजिए, लेकिन दिमाग का मामला उल्टा है। उसको जितना डिटेल में जो चीज़ बताओगे ना, जितना डिटेल में और जितना कहानी के फॉर्म में जो चीज़ बताओगे उतना ज़्यादा याद रखता है, और जितना खाली नोट फॉर्म में डायरेक्ट डायरेक्ट हो उतना याद नहीं रख पाता। तो ये पिछली कहानियाँ हम इसलिए देख रहे हैं पूरी। अब एक होता है प्रीफिक्स, प्री का मतलब क्या होता है, प्री का मतलब क्या होता है, पहले, प्री प्राइमरी क्या बोलते हैं, प्री प्राइमरी। भाई एक ज़माना था कि हमारे पास
सात आठ साल के उम्र में बच्चों को भेजा जाता था मदरसों में, गुरुकुल में या इस तरीके से। फिर ये हमारा स्कूलों वाला जो सिस्टम आया, तो वो सिस्टम में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने 6 साल की उम्र की कैद लगाई। पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड में किस में जाएंगे आप? 6 साल की उम्र में जाएंगे। अब स्कूल्स आ गए अलग अलग, ये स्कूल्स में कंपटीशन होने लगा। भाई बिजनेस है ना, क्या है ये बिजनेस है, ट्रेडिंग है, अब ये कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो बोले यार, वो एक बच्चा जो पहली में जिस स्कूल में चला जाता है तो 10वीं तक उसी स्कूल में रहता है, तो एक काम करो, उससे पहले ही उसको क्या कर लो, कैच कर लो। तो वो उन्होंने खोल दिए प्री प्राइमरी। पहले सिर्फ फर्स्ट स्टैंडर्ड होता था, फिर आने लगा किंडर गार्डन, के जी। सबसे पहले पहले क्या आया? के जी आया। फिर उसके अंदर बोले अच्छा है के जी में चले जा रहा, हम बोले जूनियर के जी बनाए। क्या बनाए फिर लोगों ने? तो एक हो गया सीनियर के जी, एक हो गया जूनियर के जी। अब आ गया है टॉडलर्स, अब आ गया है टॉडलर्स, और एकदम छोटा सा 1.5-2 साल का बच्चा। तो मुझे जो थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि बहुत सारे लोग तो इस नीयत से भेजते हैं बच्चों को के जी ये वो सारी चीज़ में स्कूल के अंदर, कि कुछ सीख ले, पढ़ ले, ये हो जाए, उनको फिक्र होती है। लेकिन अक्सर अक्सर लोगों का एक दूसरा मकसद भी होता है। असल में बच्चे बड़े परेशानी होते हैं, बच्चे बड़े परेशानी होते हैं। वो उनको संभालते रहना, वो औरत के लिए भी घर में या शौहर के लिए भी, बीवी को बड़ा क्या है, एक बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क है। अरे भाई वो इंसानियत है ना पूरी, यही बच्चे तो आगे चल कर, आगे जाकर पूरी दुनिया वो बनने आ गए हैं। तो वो क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। क्या करते हैं? आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई इतना 2-3 घंटे 4 घंटे थोड़ा सा दिमाग को क्या हो जाता है, सुकून हो जाता है। लेकिन अरब और ज़्यादा एडवांस थे, अरब जो थे और एडवांस थे, वो 2-4 घंटे का नहीं करते थे। बोले ये मसला है ना, और इसको क्या करो, सीधा भेजो। तो और अरब में ये रिवाज था कि थोड़ा बच्चा जब बड़ा होता था तो उसको दाई के हाथ भेज देते थे। वो गांव में जाकर रहता था, गांव की हवा भी फ्रेश होती थी। और वहाँ की अरब में ये था कि गांव की ज़ुबान ज़्यादा फसी, फसी यानी कि जो अच्छी ज़ुबान थी अरबी, वो कहाँ गाँव में बोली जाती। तो वो लोग तो 3-4-5 साल के लिए भेजते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गए थे, जो दाई से याद नहीं आता कि दाई हलीमा, दाई हलीमा गोद में लेकर जो चल पड़ी, बीमार ऊँटनी में अजब जान पड़ गई। तो वो इस तरीके से होता था। खैर, तो बात अपनी कहाँ से चल रही थी? प्री यानी पहली, फिक्स करना यानी फिक्स करना, लगा देना। ये कोई चीज़ है, इसके पहले कोई चीज़ लगा तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। एक होता है इंग्लिश में सफिक्स। क्या होता है? किसी चीज़ के पहले लगा दो तो प्रीफिक्स, और किसी चीज़ के आगे लगाओ तो सफिक्स। तो दो चीज़ें क्या है? प्रीफिक्स और सफिक्स। तो आप देख रहे होंगे कि एशियन, ICIAN, ये प्रीफिक्स है या सफिक्स है? लफ्ज़ के पहले लगा रहे हैं या बाद में लगा रहे हैं? बाद में। तो क्या है एशियन? सफिक्स है। ये सफिक्स का मतलब क्या होता है? आईशियन का मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सपर्ट। एशियन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का एक्सपर्ट। तो जिस भी लफ्ज़ के आगे ये दिख गया तो समझ जाना वो कोई एक्सपर्ट। अब आप मुझे बोल के बताओ, एशियन एशियन किस किस लफ्ज़ में आता है? 2-4 लफ्ज़ बोलिए। लाइट वाइट का काम कौन करता है? इलेक्ट्रीशियन। क्या होता है? यानी इलेक्ट्रिक कामों का वो एक्सपर्ट है। फिर ऐसा कुछ भी बताकर ऐसा कौन निकालता है अचानक, कबूतर कौन निकालता है? मैजिशियन। मैजिक जो दिखाता, जादू, शोभदाबाजी जिसे कहते हैं, वो क्या होता है? मैजिशियन होता है। एक है आपका ऑब्स्टेट्रिशियन। और बताइए और कौन सा एशियन है? हाँ, वो तो खैर आगे आ जाएगा, समझे आप ये चीजें। एशियन मतलब एक्सपर्ट। पेडियाट्रिशियन, ये किसे कहते हैं? पेडियाट्रिशियन कौन से डॉक्टर को कहते हैं? बच्चों के डॉक्टर को
पीडियाट्रिशियन कहते हैं, ये दो लफ्ज़ों से बना, पैडोस करके एक लफ्ज़ था, क्या था? पैडोस, ये रूट लफ्ज़ था पैडोस। पैडोस का मतलब क्या होता था आप बताइए, पैडोस का मतलब क्या होगा? बच्ची, बच्चा, क्या हो सकता है? बच्चा, पैडोस यानी शाइल्ड, फिर एक और लफ्ज़ था इएटेरिया, इएटेरिया, एक और क्या लफ्ज़ है? इएटेरिया, इएटेरिया का मतलब क्या होता है? इएटेरिया का मतलब होता है मेडिकल हीलिंग, क्या होता है? मेडिकल हीलिंग, शिफा होना, शिफा बोलते हैं ना, इफाका, शिफा, किसी चीज़ का बीमारी से अच्छे हो जाने को क्या बोलते हैं? हील होना। जख्म जब लग जाता है तो क्या होता है, जब वो सही होता है तो उसको क्या बोलते हैं? हील होना, क्या बोलते हैं उसे? हील होना, हीलिंग, हीलिंग, इएटेरिया यानी मेडिकल हीलिंग, और एशियन यानी एक्सपर्ट। तो ये पेडियाट्रिशियन कौन है? बच्चों, बच्चों की मेडिकल हीलिंग का एक्सपर्ट, तो ये है आपका पीडिया, ठीक है। तो चलिए, ये आज के लिए मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है, कल हम फिर से बच्चों का डॉक्टर इंशाल्लाह जी, हाँ बच्चों का डॉक्टर लिखिए, पीडियाट्रिशियन, इसको पढ़ते रहना है बार बार, इसको क्या करना है? बार बार पढ़ते रहना है, ये सिर्फ सुन लेने से आपको नहीं आएगा, सिर्फ सुन लेने से आपको नहीं आएगा, अगर आपको सीखना है कोई ज़ुबान, आपको सीखना है वो ज़ुबान बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा, तो ये चीज़ें आपकी नज़र से गुजरती रहेगी और आप एक्सपर्ट बनोगे, समझे आप? सिर्फ